विषय है, मैं उस विषय पर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये जो दिवस है ये प्रेम का दिवस है, ये प्रेम के बारे में है। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से एक खंड पढ़ना चाहता हूँ जो मरकुस की इंजील उसका 10:21 में मिलता है। जब एक जवान लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो यहाँ लिखा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। तो प्रेम जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल और पृथ्वी की उत्पत्ति का जनक है। और प्रेम के बारे में तीन बातें जो मैंने सीखी हैं वो ये है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही जनक है और प्रेम ही अटल है। भविष्यवाणी और ज्ञान समाप्त हो जाएगा लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो सदाकाल से सदाकाल के लिए बना रहेगा। इस संबंध में मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। मैं लगभग 8 वर्ष का था और कलकत्ता शहर में एक बड़ा बाजार है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, इसे मार्केट, और मैं अपने परिवार के संग वहां पर था और मेरा हाथ जो है वो पिताजी से छूट गया और मैं भीड़ में कहीं खो गया। तो मैं जब भीड़ में अकेला खड़े होकर रो रहा था, मैं आसपास अपने लोगों को देख रहा था, दुकानों को देख रहा था, बाजार में चलते हुए लोगों को देख रहा था, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल था। मैं बहुत चिंतित था, निराश था, दुखी था और मैं यही कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मेरे माता पिता मुझे वापस मिल जाए। और जब मैं वहां 10 मिनट तक खड़ा रहा तो मैंने क्या देखा कि जो व्याकुलता मेरे हृदय में थी उससे कहीं अधिक व्याकुलता मेरे पिताजी के चेहरे पर थी जो मुझे ढूंढ रहे थे। और वो बहुत परेशान थे और वो मेरा नाम ले लेकर जोर जोर से पुकार रहे थे और उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और हम मिल गए। और फिर मुझे बड़ी शांति आई, बड़ा चैन और आराम मिला। तो ये घटना का वर्णन मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य की जो आराधना है या भक्ति है उसका मूल कारण है मोक्ष। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, हमारा जो भारतीय पृष्ठभूमि है वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, हम लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएं और आप पूछें कि आप भक्ति क्यों करते हैं, परमात्मा की भक्ति क्यों करते हैं, तो हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करता हूं। तो ये मोक्ष क्या है और ये कैसे मिलता है और यीशु भक्ति दिवस पर इसकी क्या मूल्यता है? अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थोमा, जैसा अभी डॉक्टर माइकल विलियम्स भी बता रहे थे कि वो भारत में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको भारत क्यों भेजा, मूल कारण क्या था, अंततः कारण क्या था कि थोमा जो है वो इज़राइल देश को छोड़कर भारत में आए। भारत के बारे में एक अच्छी बात मुझे लगती है कि पवित्र शास्त्र बाइबल की एस्तर नामक पुस्तक में भारत का नाम लिखा है, हिंदुस्तान 2 बार नाम आया है, ये मुझे बड़ा आकर्षित करता है। अर्थात प्राचीन काल से कहीं ना कहीं परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के मन में भारत के प्रति एक गहरा स्थान था। और देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक प्रिय शिष्य को भारत की पृष्ठभूमि पर भारत देश में भेजा और आए और उन्होंने संदेश दिया। लेकिन वो संदेश था क्या, क्यों भारत में संत थोमा को भेजा गया? तो इसके लिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार 6 मार्ग बताए गए हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए, जिसमें जो पहला मार्ग है वो हठ योग है, दूसरा मार्ग राजयोग है, तीसरा मार्ग कर्मयोग है, चौथा मार्ग ज्ञान योग है, 5वां मार्ग तंत्र योग है और जो 6ठा मार्ग है वो भक्ति योग है। तो जो भक्ति योग है जिसके विषय में बात कर रहे हैं यीशु भक्ति दिवस, अर्थात भक्ति का मतलब है दिव्य प्रेम, अखंड विश्वास। दिव्य प्रेम यानी डिवाइन लव और अखंड उस ईश्वर में हमारा अटूट विश्वास। तो भारतीय दर्शन इस बात का प्रकटीकरण करता है कि मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए लगभग ये 6 मार्ग बताए गए, लेकिन अंततः जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन कृष्ण के पास में गए और पूछा कि भाई मोक्ष कैसे होगा, अंततः मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो गीता के 18:62 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुमेव शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। मैं दोबारा बताता हूं,
तुमेव शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम, अर्थात सभी बातों का त्याग करके उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, उस परमात्मा की शरण में यानी उसकी भक्ति से, उसकी शरण में जाने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी कि मोक्ष कैसे मिलेगा, अर्थात भक्ति से। लेकिन ये मोक्ष है क्या, इसको समझ लें। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने आकर मरियम से कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए अंततः जो भक्ति का जो मूल कारण है, जो मूल पक्ष है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से क्षमा चाहता है। ये आप आम रास्ते में चलते हुए भी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, आप गुरुद्वारे क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, चर्च क्यों जाते हैं, कारण क्या है। तो हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि हम उस परमेश्वर के महान प्रेम को, उस महान दया को स्वीकारने के लिए, प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो स्वर्गदूतों ने कहा था कि वह उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, अर्थात परमेश्वर करेगा। देखिए अगर मनुष्य अपने पापों का उद्धार कर सकता तो उसको एक एक स्वयंभू जो सृष्टि करता है या कह सकते हैं कि उद्धार करता है, उसकी आवश्यकता क्या। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको किसी सहायक की जरूरत नहीं। तो सहायक अर्थात स्वर्ग से हमको एक सहायक दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई पैगंबर नहीं। बाइबल कहती है वो परमेश्वर पिता का भेद अर्थात देह में प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह देह में अवतरण हुए आज से 2000 साल पहले, लेकिन उनका होना तो प्राचीन से था। उनकी वो तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही थे, लेकिन जो देह धारण किया गया, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक उसका 10:5 पढ़ेंगे, वो लिखा गया कि देह धारण किया गया। देह क्यों धारण किया गया, उसके पीछे मैं कारण बताकर आपको समापन की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे समय को ध्यान रखना है। भारतीय दर्शन शास्त्र की एक अमूल्य प्रार्थना है, वो प्रार्थना ये है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्रहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु मैं पापी हूं, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मन से, वचन से और कर्म से। भागवत रहस्य में श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा है मन से, वचन से और कर्म से मैं पापी हूं। तो ये प्रार्थना की गई, पापम पापात्मा पाप कर्मा त्रहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। स्वयं परमेश्वर ही हमारे पापों को हर सकता है, यह मनुष्य से नहीं हो सकता। ऋषि वेदव्यास जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, नैति नैति केनापि जानम, यह मनुष्य से नहीं हो सकता। तो मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा, अर्थात स्वयं परमेश्वर को ही इस संसार में देह धारण करके आना था, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया और वो आज से 2000 साल पहले इज़राइल देश में प्रकट हुए, देह धारण करके संसार में आए। और मनुष्य की जो सबसे अमूल्य प्रार्थना थी वो ये थी, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्मे और मृत्युमा अमृतगमे, अर्थात हे प्रभु मुझे असत्य यानी झूठ से निकालकर सत्य की ओर लेकर चले। यीशु मसीह ने कहा सत्य में हूं। प्रार्थना की गई तमसोमा ज्योतिर्मे, तमस माने अंधकार, अर्थात अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चले। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। प्रार्थना की गई मृत्युमा अमृतगमे, अर्थात मृत्यु से निकालकर जीवन की ओर लेकर चलें, और यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, हमें इस बात को समझना है। संत तुलसीदास जी ने कहा मौसम कौन कुटिल कल कामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पतितन में नामी, अर्थात मुझसे बड़ा जो पापी है संसार में कौन हुआ। आदरणीय गुरु नानक साहब जी ने भी इस बात को कहा हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी, अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या रंक हो या राजा हो, किसी ना किसी तरह से हम सबने इस संसार में पाप किया है, और हम पापी हैं इसलिए पाप कर रहे हैं। हम इस बात को मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं और बहुत संक्षेप में समझाकर आगे निकलना चाहूंगा। एक बार मैं अपने पिताजी के संग बाजार गया जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, और मैं बहुत सारी अदरक उठाकर ले आया, तो जो अदरक जिंजर जो होती है, तो मेरी माताजी ने पिताजी से पूछा कि आप इतनी सारी अदरक इतनी सारी जिंजर क्यों ले आए।
तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने तो अदरक खरीदी नहीं, तो मुझे देखा गया कि क्या तुमने उठा ली। तो मुझे याद है मैंने जो शॉपकीपर था उसकी नजरें बचाकर ठेले पे से अपने ठेले के अंदर बहुत सारी अदरक गिरा ली। तो मेरी माताजी ने मुझे कहा कि ये पाप है। तो पहली बार 8 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैंने एक पाप किया। तो पाप मैंने इसलिए किया क्योंकि वो स्वभाव मेरे अंदर है, पाप का जो मूल बीज है वो मेरे अंदर है, और उस मूल बीज को समाप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत है। देखिए, अगर हम स्वयं उस मूल पाप को अपने जीवन से हटा सकते हैं तो हमें उद्धारकर्ता प्रभु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए लिखा है पापम फलम नरकमादि अस्तु, पाप का जो परिणाम है वो नरक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा तुमको वो अनंत जीवन मिलता है। तो हम तीन बातें जानकर समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करने में योग्य है, मनुष्य की दशा, मनुष्य पापी है, और मनुष्य की इस दशा में स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम अर्थात स्वयं परमेश्वर हमारी सहायता करने को तैयार है। इसलिए आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, अवतरित हुए, वो किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, एक और धर्म की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता किसकी थी? आवश्यकता थी अनुग्रह की, दया की, क्षमा की। और यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैं अंतिम एक बात बताकर एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। हम जब क्रूस के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्रूस जो है, एक लकड़ी का जो क्रॉस होता है, वो बड़ा भयानक होता है। मानो वो फांसी के फंदे के समान, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसे कोई देखना नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता। और प्राचीन समय में बड़े अपराधियों को क्रूस पर लटकाकर मार दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए, जब किसी व्यक्ति को क्रूस दिया जाता होगा तो वो देखकर कितना डरता होगा कि ये तो मेरी मृत्यु का सामान है, मेरी मौत का सामान है, और वो नहीं चाहता होगा कि वो उसको स्पर्श करे या उस पर उसको लटकाया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इस पर तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अंततः क्या हुआ? ऐसा ही एक दिन ये क्रूस जो है, लकड़ी का जो क्रूस है, जो कि दुख का, जो कि पीड़ा का, जो कि मृत्यु का चिन्ह था, ऐसा ही एक लकड़ी का टुकड़ा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्पर्श किया, उसे गले लगाया, उसके संग योग किया। योग का मतलब एकत्व, एकीकरण, एक हो जाना। और फिर क्या हुआ? जो मृत्यु का चिन्ह था, जो अपमान का चिन्ह था, जो दर्द का चिन्ह था, आज वो क्षमा और अनुग्रह का चिन्ह है। जिससे लोग डरते और छिपते थे, जिसे छूना नहीं चाहते थे, आज लोग उसे गले में पहनते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, ऊंची सड़कों पर लगाते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को देखें और उस क्रूस के द्वारा उस महान प्रेम को स्मरण करें कि ये परमेश्वर का महान प्रेम है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर ये यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, उसकी दया के द्वारा अगर इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है, तो कल्पना कीजिए कि ये यीशु अगर हमारे जीवन में और हमारे राष्ट्र में, विशेष रूप से भारत देश के अंदर, अगर ये कण कण में, व्यक्ति के हित मन मन में अगर हो, तो क्यों ना ये हमारा जीवन बदलेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि संत थोमा के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, उनके 12 परम शिष्यों में से एक शिष्य थे, उस शिष्य को प्रभु यीशु मसीह ने भारत के लिए भेजा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी और भी भेड़े हैं जो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, और उनका भी इस भेड़शाला में होना जरूरी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, संसार में इतने बड़े व्यापक विश्व में उन्होंने भारत की धरती को स्मरण रखा और अपने प्रिय शिष्य को भारत में भेजा, ताकि हम उसके उद्धार और महान प्रेम की गाथा को सुन सकें, और ना केवल सुने लेकिन घर घर तक इस गाथा को, इस संदेश को लेकर जाएं। सबको जय मसीह की, जय हिंद, प्रभु आशीष दे, गॉड ब्लेस।